शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की किस्मत का फैसला आज मुंबई के किला कोर्ट के मजिस्ट्रेट ने कर दिया। क्रूज पार्टी में ड्रग्स मामले को लेकर फंसे आर्यन खान की मुसीबत बढ़ गई है। आर्यन खान, अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा की जमानत की अर्जी कोर्ट द्वारा खारिज कर दी गई। बताया जा रहा है कि अब आर्यन के वकील जमानत याचिका लेकर सेशन कोर्ट जा सकते हैं। हम आपको बता दें कि आर्यन समेत सभी आरोपियों को आर्थर रोड जेल भेज दिया गया है। दोस्तों, आज की वीडियो बड़ी ही धमाकेदार होने वाली है, तो वीडियो के एंड तक बने रहिए हमारे साथ। बताया जा रहा है कि मजिस्ट्रेट कोर्ट में सतीश मानशिंदे अंतरिम बेल की अर्जी डाली थी, जिसे नामंजूर कर दिया गया है। मजिस्ट्रेट कोर्ट को लेकर कहा था कि यह मामला सुनने और जमानत पर कार्यवाही करने का हक यह नहीं रखा। यह मामला सेशन कोर्ट के लिए था। ऐसे में आर्यन संग अन्य के वकीलों को सेशन कोर्ट जाना चाहिए था। सेशन कोर्ट में NDPS एक्ट के तहत जमानत की अर्जी देनी होगी। ऐसे में अब सतीश मानशिंदे सहित अन्य वकील सेशन कोर्ट में जमानत की अर्जी डालेंगे। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि आर्यन खान को जमानत मिलेगी या नहीं, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। दोस्तों, खबरों के मुताबिक मुंबई के किला कोर्ट ने आर्यन खान की याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट का कहना है कि आर्यन की याचिका मेंटेनेबल है, इसलिए इसे रिजेक्ट किया जाता है। ऐसे में अब आर्यन खान और अन्य सभी आरोपियों को जेल में आज रहना होगा। बताया जा रहा है कि आर्थर जेल वो जगह है जहाँ कसाब, अबू सालेम, संजय दत्त जैसे लोगों को रखा जा चुका है। ऐसे में आर्यन खान को जमानत नहीं मिलती तो उनके साथ साथ उनके पूरे परिवार के लिए दिक्कत हो जाएगी। अगर यहां याचिका खारिज हुई तो आर्यन के वकील कल सेशन कोर्ट में जमानत की याचिका लेकर जाएंगे। आर्यन खान संग 5 कैदियों को मुंबई के सबसे बड़े जेल आर्थर जेल के बैरक नंबर 1 में रखा गया है। जी हाँ, यह जेल की पहली फ्लोर पर बना एक स्पेशल क्वारंटाइन बैरक है। यहाँ 5 दिनों के लिए आर्यन खान और उनके अन्य क्वारंटाइन में रखा जाएगा। किसी को यूनिफॉर्म पहनने की जरूरत नहीं है, लेकिन उन्हें अन्य कैदियों की तरह ही ट्रीट किया जाएगा। सूत्रों के अनुसार वैसे आर्यन समेत सभी अन्य की कोविड रिपोर्ट नेगेटिव आई थी। सभी ने वैक्सीन के दोनों डोज लिए हुए थे, इसी कारण उन्हें महज 5 दिन का क्वारंटाइन दिया गया है। आर्यन खान अन्य 8 आरोपियों के साथ जेल पहुंच चुके हैं। पुरुष कैदियों को आर्थर जेल रोड और महिला कैदियों को बायकुला जेल में भेजा गया है। जेल पहुंचकर आर्यन परेशान हुए थे क्योंकि आर्थर रोड जेल में कई खूंखार कैदी हैं। दोस्तों, इस चीज़ को लेकर आपकी क्या राय है, हमें नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं और साथ ही हमारी इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें। बॉलीवुड एंड हॉलीवुड से जुड़ी जानकारी को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कि आपको हमारे चैनल की सारी नोटिफिकेशन टाइम पर मिलती रहे।